मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और मंत्र जप से एक ऊर्जा का निर्माण होता है, उस ऊर्जा के द्वारा हमारे संकटों का निदान होता है, हमारे संकट दूर होते हैं और समस्याएं जो हैं वे पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। मंत्र जप से कामना पूर्ण होती है, लेकिन मंत्र जप दीक्षा के द्वारा करना चाहिए। जो मंत्र आपको दीक्षा के रूप में प्राप्त है या गुरु के द्वारा जो मंत्र आपको प्राप्त है, उस मंत्र का हमको जप करना चाहिए। विधिवत पवित्र होकर के, आचमन इत्यादि करके, संकल्प करके, अच्छी आसन पर बैठ करके, दीप प्रज्वलित करके, गणेश जी का, अपने गुरुदेव का और इष्ट देव का ध्यान करके मंत्र जप हमको करना चाहिए। हर मंत्र की अलग अलग शक्ति होती है, हर मंत्र के अलग अलग देवता होते हैं, हर मंत्र के अलग अलग छंद होते हैं, वेद होते हैं, ऋषि होते हैं और देवता होते हैं। इसी अनुसार यह मंत्र कार्य करते हैं और ऊर्जा हमको प्रदान करते हैं। हर मंत्र से अलग अलग ध्वनि निकलती है, ऊर्जा और तरंग का संचार होता है। मंत्र जो है वो ईश्वरीय शक्ति होते हैं और मनुष्य जब मंत्र जप करना प्रारंभ करता है तो उसका संबंध परमात्मा से हो जाता है, और मंत्र जब से परमात्मा से उसका संबंध होता है तो परमात्मा की ओर से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो मंत्रों से तरंग निकलती हैं, वो परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करते हैं। और आपका संबंध जब स्थापित होता है, आप मंत्र जाप करते हैं, तो जो ऊर्जा का संचार होता है उसी ऊर्जा के द्वारा आपके संकट भी दूर होते हैं और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। विभिन्न मंत्र हैं, उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे दीर्घायु प्राप्त करना है, रोगों का शमन करना है, संकटों से निवृत्ति प्राप्त करना है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शत्रु नाश करना हो या विजय प्राप्त करना हो, किसी कार्य की सिद्धि करना हो, तो भगवती बगलामुखी के मंत्र का जप करना चाहिए। संतान की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा हो तो संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या के शीघ्र विवाह के लिए कात्यायनी महामाये यह मंत्र है, इस मंत्र को पूरे मंत्र का जप करना चाहिए। किसी युवक के विवाह के लिए पत्नी मनोरमाम देहि मनोरथानुसारिणी, इस पूरे मंत्र का जप करना चाहिए। आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहि, इस मंत्र का जप करना चाहिए। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती के जितने भी मंत्र हैं वे सारे मंत्र महामंत्र हैं, अलग अलग कार्यों के लिए है। कोई मंत्र संतान प्राप्ति के लिए है, कोई बाधा निवारण के लिए है, कोई बाहरी बाधाओं के निवारण के लिए है, कोई रोग मुक्ति के लिए है। तो दुर्गा सप्तशती के जो विभिन्न मंत्र हैं उन मंत्र का जाप करके आप आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और साथ ही जो नवग्रह के मंत्र हैं, उन नवग्रहों के मंत्र का जाप करके उन ग्रहों के द्वारा जो विघ्न उत्पन्न होते हैं, जो उपद्रव होते हैं, उन उपद्रवों को शांत किया जा सकता है। बड़ी स्थिर मति के साथ श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जप करने से उसी अनुसार वह मंत्र फल प्रदान करता है।